तो ऐसे कई बार होता है कि मेकअप के तो हम सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं, बहुत अच्छे से मेकअप करते हैं, स्टिल मेकअप हमारा बहुत बार गर्मियों में बह जाता है क्योंकि गर्मियों का सीजन ही आ जाता है कि हमें बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्वेट प्रूफ एंड वाटर प्रूफ मेकअप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना है आइसिंग। आइसिंग करने से आपका मेकअप बहुत ही फ्लॉलेस होगा। तो आइसिंग करने के बाद आपको टोनर लगाना है। टोनर लगाने के बाद जो आपका बेसिक स्टेप है सीरम मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन वो आपको लगाना है, लेकिन सही प्रोसेस। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लगाते हैं लेकिन हमारे ये वाले एरिया से हमारा जो मेकअप है वो रिमूव हो जाता है। तो मैं आपको बेस्ट तरीका बताती हूँ स्किन केयर करने का मेकअप करने से पहले। आप डायरेक्ट फेस पे नहीं लगाओ, गर्मियों का टाइम चल रहा है तो आप या सिर्फ सीरम या सिर्फ मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप दोनों लगाओ। जितना आप स्किन केयर करोगे आपकी स्किन मेकअप से उतनी प्रोटेक्टेड रहेगी। आपको तो पता होगा मेकअप में हार्मफुल केमिकल्स भी होते हैं, आप कितनी भी अच्छी क्वालिटी एंड पैराबेन फ्री मेकअप ले लो लेकिन उसमें रहती है हार्मफुल केमिकल्स। तो जब आप सीरम को अच्छे से पैट कर लो अपनी स्किन में, इस एरिया को एक्स्ट्रा लेयरिंग से बिल्कुल ही अवॉइड करें क्योंकि सबसे ज्यादा स्वेटिंग एरिया में बहुत सारी टाइप की मिलती है, लेकिन आपको अपना टाइप जाना जरूरी है और फिर आप उसके अकॉर्डिंग ही लीजिएगा। इसके अलावा मैंने और भी वीडियोस बना रखे हैं, अपना स्किन टाइप कैसे जान सकते हो वो भी वीडियोस आप मेरी देख सकते हो। मॉइस्चराइजर यूज करो जेलब बाय ज़ोबा की, आप कोई भी अपनी फेवरेट मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो। वैसे ये वाली स्किन ब्राइट मॉइस्चराइजर है, काफी अच्छी लगती है मुझे और स्किन भी आपकी काफी इंस्टेंटली ग्लो करने लगती है। केस आपको अगर इसका लिंक चाहिए तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। इसको मैंने अपने पूरे फेस पे तो लगा लिया लेकिन इस जगह पे इसको मैंने बिल्कुल ही अवॉइड किया क्योंकि मुझे भी स्वेटिंग इस जगह पे ज्यादा होती है। वन इंपॉर्टेंट थिंग कि जब भी आप मेकअप करो तो मेक श्योर करो कि फैन या तो एसी या कुछ ऐसा चल रहा हो आपके आसपास, क्योंकि आप स्वेट को पसीने को नहीं रोक सकते। वो आपका पसीना ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली आएगा गर्मियों के टाइम पे। तो आप किसी ऐसी जगह बैठो जहां पे थोड़ी सी हवा हो, जैसे पंखे के नीचे या तो एसी या कूलर कहीं पे भी, लेकिन आपका जो स्वेट है वो नहीं आना चाहिए व्हाइल डूइंग योर मेकअप। अगर मेकअप के बाद भी आपका स्वेट आता है उसे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि आपका मेकअप आपका फेस आपके मेकअप से लॉक हो चुका है। वैसे तो अभी मेरा फैन भी ऑफ है लेकिन स्टिल मुझे बहुत ज्यादा स्वेटिंग नहीं होती है, बहुत सारे लोगों को बहुत जरूरी है ताकि मेकअप आपका ब्लैक टर्न ना हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेकअप के बाद आपका बेस जो है वो ब्लैक हो जाता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत लोग ये कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा मेकअप करती हूँ मेरी स्किन ब्लैक लगती है, तो आप सनस्क्रीन लगाते हो, यही सबसे बड़ा रीजन है। सनस्क्रीन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट, सनस्क्रीन को भी इस एरिया में थोड़ा सा आप लगा सकते हो लेकिन अवॉइड ही करिए ज्यादातर। आज का मेकअप लुक मैं थोड़ा पिंकिश टाइप करने वाली हूँ लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा न्यूड भी करेंगे क्योंकि आजकल न्यूड का ही जमाना है। जैसे हमने स्किन केयर कर लिया इसके बाद आप थोड़ा सा वेट करिए क्योंकि तुरंत तुरंत स्टेप्स करने से और ज्यादा आपको फिर प्रॉब्लम भी होगी, आगे मेकअप का बेस भी सही नहीं होगा। तो जब आप अपना स्किन केयर कर लो तो उसके बाद फिर आप 5 मिनट वेट करिए, देन प्राइमर लगाइए। प्राइमर के बाद भी फिर 5 मिनट वेट करिए, 10 मिनट इस बीच में दीजिए। प्राइमर के लिए मैं यूज करूँ मेबेलिन फिट मी की स्ट्रोक क्रीम। ये प्राइमर और स्ट्रोक क्रीम दोनों का ही काम करती है, जैसे फेस में ग्लो भी आ जाता है जैसे कि आप देख सकते हो। वैसे भी मेरी स्किन ग्लो करे इतना स्किन केयर मैंने अप्लाई किया हुआ है। आपको ऐसा चाहिए बेस जो गर्मियों में भी आपकी स्किन ग्लो करे तो आप इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं होता तो हम प्राइमर के बाद या मॉइस्चर ब्राउ पेंसिल यूज करने वाली हूँ। ये ब्राउ पेंसिल है, बहुत अच्छी है, मैंने ब्राउन शेड लिया, इसमें ब्लैक भी आती है। अगर आपकी ब्राउज का कलर मेरे ब्राउ से मिलता जुलता है तो फिर आप इसमें जा सकते हो, या बहुत ज्यादा डार्क एंड ब्लैक है तो आप फिर ब्लैक वाली भी ले सकते हो। तो इसमें आपको दो साइड मिलती है, एक साइड आपको कूली मिल जाता है और एक साइड आपको मिल जाती है ब्राउ प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम कोम कर लेंगे अपने ब्राउज को ताकि परफेक्ट शेप मिल सके, एंड देन हम इससे फिल करना शुरू करेंगे। अब जैसे आप देख सकते हो मेरी स्किन में बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन नहीं है, डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा नहीं है, तो ऑरेंज करेक्टर वाला पार्ट मैं बिल्कुल स्किप कर रही हूँ। लेकिन अगर आपके फेस में बहुत ज्यादा डार्क स्पॉट्स पिगमेंटेशन है तो किसी भी तरीके की मार्क्स है या डार्क सर्कल्स है तो आप उसको सबसे पहले एक ऑरेंज कलर के करेक्टर से उसे ठीक करिए। आपको नॉर्मल जैसे हम कंसीलर लगाते हैं उस तरीके से अपने डार्क सर्कल्स लगाते हैं, उसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है तो मैं उस पार्ट को स्किप कर दे रही हूँ। प्राइमर के बाद लगा रही हूँ अपना फाउंडेशन, और फाउंडेशन के यूज करें यहाँ पे मेबेलिन सुपरस्टे 30 आवर्स तक चल जाती है, और ये लूमी मैट फाउंडेशन आप सभी को पता होगा मेबेलिन ने अभी न्यूली लॉन्च किया है 2 महीने पहले, और आप देख सकते हो मेरा परफेक्ट स्किन टोन का शेड है ये। आप देख सकते हो बहुत ही डिसेंट कवरेज मिली है, साथ ही साथ स्किन भी मेरी ग्लो कर रही है। और एक्चुअली मैं आपको ऐसी फाउंडेशन ही चाहिए होती है समर्स में कि अगर आप लगा भी लो तो आपकी स्किन भी ग्लो करे। तो ये मेरा परफेक्ट शेड है, अगर आप शेड जानना चाहते हो तो मेरा है शेड 230 और इसमें SPF भी है तो आप डे टाइम में भी लगा सकते हो। फाउंडेशन के बाद कंसीलर लगाना है, और कंसीलर वाला पार्ट बिल्कुल मस्ट है। अगर आप चाहते हो आपका मेकअप ब्लैक ना दिखे तो फिर आपको कंसीलर लगाना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैं प्रो आर्टी की कंसीलर यूज कर रही हूँ, आप ऐसे कोई भी ले सकते हो, स्विस ब्यूटी की कंसीलर भी ले सकते हो, फुल कवरेज की कंसीलर है स्विस ब्यूटी की, तो डेफिनेटली आप एक बार चेक कर सकते हो। अगर आपको उसका लिंक भी चाहिए तो मैं डाल दूंगी। वैसे ये भी कंसीलर बहुत अच्छी है लेकिन प्राइस ज्यादा है इसका, तो भी बेस्ट स्विस ब्यूटी की वर्क करती है तो आप वो वाली ले सकते हो। इसको आपको अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए ही अप्लाई करना है। एज यू कैन सी मेरी फेस हाईलाइटेड लग रही है फाउंडेशन लगाने से। आपका जो एक्चुअल स्किन टोन है वो उस शेड का आपको फाउंडेशन लेना चाहिए। जब आपको स्किन हाईलाइट करना होता है ना तो कंसीलर, मेरे स्किन टोन से 2 शेड लाइटर है कंसीलर। अब कंसीलर को आप चाहो तो ब्रश से ब्लेंड कर सकते हो, लेकिन मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड कर ले रही हूँ। ब्रश से ब्लेंड करने से आपको फुल कवरेज का इफेक्ट मिल जाता है। अब जैसे कि आप लिक्विड प्रोडक्ट्स लगा रहे हो तो हमेशा लिक्विड लिक्विड से ही पाउडर में जाइए, पाउडर फिर लिक्विड फिर पाउडर लिक्विड, ऐसे मत लगाएगा कभी भी। तो जैसे मैंने कंसीलर लगाया इसके बाद मैं लिक्विड ब्लश लगाऊंगी, लिक्विड हाइलाइटर, लिक्विड कॉन्टोर। जब भी आप कुछ लिक्विड लगाते हो तो लिक्विड लिक्विड ही फॉलो करें। ब्लश यूज करी हूँ ये है वेलवेट ब्लश फ्रॉम सीवीबी कॉस्मेटिक्स। काफी बार मैंने अपनी वीडियो में बोला कि बहुत अच्छी और वेलवेट टेक्सचर वाली ब्लश है। अब जैसे कि हमने लिक्विड ब्लश लगा लिया तो हमें पाउडर ब्लश अगर हम ना भी लगाएं तो भी चल जाता है। ब्लश लगाने के बाद स्किन का पूरा फीचर ही चेंज हो गया। इसके अलावा आप लिक्विड कॉन्टोर लगा सकते हो, लिक्विड हाइलाइटर लगा सकते हो, लेकिन मैं उसको स्किप कर रही हूं और जा रही हूं डायरेक्ट पाउडर पे। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये कि जब भी आप यूज करो कोई पाउडर गर्मियों के टाइम पे तो मेक श्योर करना कि हमेशा आप लूज पाउडर यूज करें, क्योंकि जो कॉम्पैक्ट वाली पाउडर होती है वो आपके फेस में क्रैक्स ला सकती है और मेकअप आपको उसके बैक सेट नहीं करना है, बेक भी करना है। जो आपकी ये वाली एरिया ना यहाँ पे आपको लूज पाउडर और अच्छे से लगाना है। जो आईलिड्स है आपको उस पर बेकिंग नहीं करना है, बस जो पाउडर एक्स्ट्रा आपके ब्लेंडर में होगी बस उस तरीके से आपको टैप कर लेना है। अब जैसा मैंने आपको बताया आज का मेकअप हम थोड़ा सा पिंक न्यूड कुछ इसका मिक्सचर करने वाले हैं, तो यूज करने वाली मैं शाय स्टाइल्स एक्स कफ लैशेस की पैलेट।
इन दी शेड सिडक्ट्रस, ये बहुत प्यारी सी शेड है, इसमें आपको पर्पल पिंक न्यूड कलर बहुत सुंदर सुंदर मिल जाते हैं, न्यूड पिंक पर्पल सब कुछ मिक्स है, तो बहुत सुंदर सी पैलेट है। आज हम इसी को यूज करने वाले, लेकिन जब भी मुझे रिसीव हुई थी तो ये टूटी हुई निकली थी, जिस वजह से मेरा दिल भी टूट गया, बट कोई बात नहीं, हम इसी में काम कर लेंगे। सिर्फ इस एक आई ब्रश से आज हम पूरा आई मेकअप अपना करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ये एक पर्पल शेड ले रही हूँ, बहुत सुंदर सी, ये लैवेंडर शेड, इट्स नॉट प्रॉपर पर्पल, इट्स अ लैवेंडर शेड, एंड हम पूरे अपने आई लिड पे अप्लाई करेंगे। और ये कितनी सुंदर शेड है, देखो एक बार में कितना पिगमेंटेशन मिली है इसकी। सेम कलर को अपने लोअर लैश लाइन में भी हम लगा लेंगे, वो भी अच्छे से, और ये क्योंकि स्मॉल ब्रश है तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती। व्हाइट, तो यहाँ पे मैं ब्लू कलर लगा रही हूँ, एक परफेक्ट पर्पल एंड ब्लू का जो कॉन्ट्रास्ट होता है ना, बहुत सुंदर होती है। इसको मैं अप्लाई करूंगी, इस आई मेकअप को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे मैं न्यूड काजल लगा रही हूँ, व्हाइट भी लगा सकते हो लेकिन न्यूड ज्यादा प्रिटी लगती है हर एक आई मेकअप में। आई मेकअप को मैं इतना ही रख रही हूँ, अब मस्कारा एंड फॉल्सीज लगा लेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हो मैंने बेकिंग अभी तक हटाया नहीं, उसके पीछे रीजन क्या मैं आपको बता दूँ। फॉल्सीज भी लगा लिया, इनर कॉर्नर को मैं एक पिंक शेड से हाईलाइट करूंगी ताकि ओपन अप लगे आपकी आईज। नेक्स्ट, जो आपने बेकिंग करा है सबको आप रिमूव कर दो। याद रखें जब भी आप बेकिंग रिमूव करो तो एक ब्रश से ही रिमूव करेंगे, क्योंकि अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर से करोगे तो फिर वो आपका मेकअप बेस पड़ जाएगा। मेकअप को सेट करने के लिए आपको सेटिंग स्प्रे लेना है, उस तरीके से स्प्रे करना है ताकि मेकअप आपका लॉक हो जाए, मेंशन नहीं है, हल्के हाथों से लगाएंगे। और आज का मेकअप में कोई भी मैं कॉन्टोर ब्राउजिंग यूज नहीं कर रही हूँ, सिर्फ पिंकी पिंकी ब्लश। हाइलाइटिंग मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की ये पैलेट, जिसमें आपको टोटल फोर शेड्स मिलते हैं, जैसे ये पिंक और ये व्हाइट वन, दोनों को मिक्स करके एक्स्ट्रा डस्ट ऑफ करके इसको हम अप्लाई करेंगे, तो ग्लो भी आ जाएगा इंस्टेंटली और पिंकिश भी लगेगी आपकी स्किन, जस्ट लाइक दिस। नेक्स्ट, इन दो शेड को मिक्स करके एक परफेक्ट पिंक शेड, पिंक न्यूड शेड बन जाएगा, इसको मैं मिक्स करके लगा रही हूँ। सो गाइज, दिस इज द फाइनल फिनिश लुक, और ऑन ऑफ करके मैंने वीडियो बनाया है, स्टिल कोई स्वेटिंग नहीं आई है, कुछ भी नहीं। एज यू कैन सी मेरा बेस भी कितना परफेक्टली फ्लॉलेस फिनिश हुआ है। तो ये कुछ स्टेप्स फॉलो करने से आपकी जो बेस है, आपका बेस का गेम दिखना है, लेवल कैसे चेंज होता है। हमेशा याद रखिएगा ये तीन चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक स्वेट प्रूफ एंड वाटर प्रूफ मेकअप रन आउट होने में। सबसे पहले आइसिंग करना, सेकंड इज योर बेकिंग, जो कि आप सिर्फ और सिर्फ लूज पाउडर से कर सकते हो, एंड थर्ड इज योर सेटिंग स्प्रे। अगर आपके पास सेटिंग स्प्रे नहीं है, जाइए मार्केट से सबसे पहले सेटिंग स्प्रे लेकर आइए, क्योंकि उसके बिना आपका मेकअप कभी भी लॉन्ग लास्टिंग एंड वाटर प्रूफ स्मज प्रूफ नहीं होने वाला है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो हेल्पफुल रहे, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जब आप सब्सक्राइब करो तो बगल में नोटिफिकेशन बटन है, उसको आप जरूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो से आप अपडेटेड रहो। और आप सभी से मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, चिल्ड्रन बाय बाय, टेक केयर।